गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 12 जून और आज होगा लाखों बच्चों के फ्यूचर का फैसला। जी हाँ, लाखों ऐसे बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एम्स ऐसे MBBS करने को लेकर पढ़ाई की थी, यानी कि उन्होंने एम्स 2019 का रिजल्ट पेपर देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ऐसे लाखों बच्चे जिन्होंने नीट में भी एग्ज़ाम दिया था बट वो अच्छा नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए लास्ट होप था एम्स एग्ज़ाम में अच्छा करना। तो आज 12 है और आज होगा उनके मेहनत का परिणाम उनको मिलेगा, आज आपका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत गुड विशेस हैं आप सभी के लिए कि आप सभी का रिजल्ट अच्छा आए। मैं प्रे करूंगा कि आप लोगों को आपकी जो आपने हार्ड वर्क किया है उसको आपका अच्छा फल मिले। दोस्त, इन सभी के अलावा दूसरी बात यह है, जिन दोस्तों का अगर गलती रिजल्ट ना अच्छा है तो उन दोस्तों को निराश नहीं होना चाहिए, उनको और हार्डवर्क करना चाहिए ताकि वो और अच्छे नंबर लेके आए नेक्स्ट एग्ज़ाम में। चलिए बात लेते हैं रिजल्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, रिजल्ट किस टाइम आएगा और क्या प्रोसेस है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है डाउनलोड करने को लेकर, आपको रिजल्ट देखने के लिए एक सबसे कॉमन स्टेप होता है, वो होता है गूगल पे जाके www.aimsexam.org क्लिक करनी है, जो कि एम्स 2019 की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसे होम पेज खुलेगा जो कि एम्स का ऑफिशियल का है। यहाँ पे आपको रिजल्ट कॉलम पे जाना होगा। अगर वहाँ नहीं जा रहे आप तो आपको नीचे अपडेट दिख जाएगी, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। यहाँ आपको जैसे कि दिख रहा है अभी पर MSc को लेकर नर्सिंग, तो वहाँ आपको दिखेगा एम्स के रिजल्ट को लेकर। एम्स का जो रिजल्ट है वो आज आ जाएगा दोपहर में 1 बजे, क्योंकि एम्स ने अभी जितने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं वो दोपहर में नून के 12 o'clock के बाद किए हैं। तो आज 1 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ स्टेप बेसिक फॉलो करने होंगे जैसे कि वो बताने वाला हूँ क्या है, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि प्लीज़ ऐसे मित्र जिनके अच्छे रिजल्ट ना आए तो वो प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो, आपको और चांसेस मिलेंगे। इन सभी के अलावा ऐसे मित्र जिनके अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उनका भी कर्तव्य होगा कि वो अपने साथी फ्रेंड्स को मोटिवेट कर सकें और उसको बताएं कि यू में नेक्स्ट आपको अच्छा आगे मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन स्टेप्स को फॉलो करके हमें रिजल्ट डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप रिजल्ट कॉलम को ओपन करेंगे आपके सामने कैंडिडेट आई डी का ऑप्शन होगा, दूसरा होगा पासवर्ड और तीसरा होगा एंटर कैप्चा। तो जैसे ही आपको सबसे पहले अपना आईडी डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर्स को बोलते हैं, देन पासवर्ड और देन आपको कुछ नंबर्स से दिए होंगे, इनको लॉगिन करना होगा। इन नंबर्स को लॉगिन करने के बाद आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, आप उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। एक बार फिर से आप दोस्तों को बहुत बहुत गुड विशेज मेरी तरफ से, आप अपने फ्यूचर में अच्छा करें ऐसा मैं प्रे करूँगा ऊपर वाले गॉड से, और खूब होके बी हैप्पी होके रिजल्ट का वेट करें। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बेस्ट ऑफ लक गाइज। थैंक यू।